हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम एक लाइन ऑफ हाइब्रिड्स या फिर एक कंप्लीट लाइन ऑफ काइमरा और इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में और इसके अलावा होता है एनिमल हस्बेंड्री में। ओके, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है और कितने टाइप से किया जा सकता है। इनिशियली अगर हम समझें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम डेलिबरेटली, ठीक है, डेलिबरेटली मतलब हम जानबूझ के इंट्रोडक्शन करेंगे, सीमन को इंट्रोड्यूस करेंगे फीमेल के सर्विक्स में या फिर यूटरस में। ओके, तो हमने क्या किया, डेलिबरेटली अपनी इच्छा से या जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं, किसी भी हेल्दी मेल का सीमन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फीमेल के सर्विक्स में या फिर उसके यूटरस में। ओके, और ये एक तरीके की इन वीवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है। इन वीवो मतलब सिस्टम के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीमन को, और सिस्टम क्या है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूटेराइन कैविटी ऑफ फीमेल। ओके, और यहाँ पे हम जो दिस वन इज अनदर काइंड ऑफ मैथड अदर देन द नॉर्मल जो नेचुरल इंटरकोर्स होते हैं उसके अलावा, ये एक सेक्शुअल इंटरकोर्स का ही फिनोमिना है लेकिन नेचुरल फिनोमिना नहीं है। इसमें हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इसे कह रहे हैं, ठीक है। असिस्टेड मतलब हम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सर्विक्स में या यूटरस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीमन को। ओके, यहाँ पे हम देखें तो एनिमल ब्रीडिंग के लिए हम स्पेसिफिकली इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, और ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें तो ह्यूमंस के लिए जब भी क्या होता है कि कोई स्टेराइल या इम्पोर्टेंट या इनफर्टाइल कपल होते हैं तो उनको, या किसी भी कपल को अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, उनके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, उनके बच्चे नहीं हो पा रहे स्पेसिफिकली, तो ये टेक्निक उस फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम समझें, टू ओवरकम द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ह्यूमंस में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये एक तरीके का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो ह्यूमंस में यूज़ होता है, और साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री के लिए हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक को इन डेयरी कैटल्स, हॉर्सेज, पिग्स, इन सब में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस किस तरीके से होता है और क्या मेथड्स हैं इसके और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के किसके थ्रू किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो यहाँ पे दिस वन इज़ ए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है। इसके अलावा स्पर्म डोनेशन की टेक्निक भी इसके साथ साइड बाय साइड चलती है, ठीक है ना। स्पर्म डोनेशन, जो भी हेल्दी मेल होंगे उनके स्पर्म्स का डोनेशन भी इस टेक्निक के साथ साथ चलता है। इसके अलावा अगर हम देखें एनिमल हस्बेंड्री की टेक्निक्स के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है ताकि हम बेटर हाइब्रिड्स बना सकें, जैसे कैटल्स के, हॉर्सेस के, पिग्स के, मीट प्रोडक्शन के लिए हो या फिर उनके डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, उसके लिए भी हम एनिमल हस्बेंड्री की टेक्निक में ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती हैं, होती तो चार हैं लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, वो है एक ICI और दूसरी IUI, ठीक है। ICI क्या है, इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन, और IUI क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इनको हम समझते हैं ये क्या है। नेक्स्ट हम देखें बेनिफिशियरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, किस किस को इस टेक्निक से फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ायदे के लिए होती हैं ये बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री में ये कम्प्लीटली बेनिफिशियल होती है, लेकिन ह्यूमन के कंसिडरेशन में देखें तो ह्यूमन के कंसिडरेशन में कुछ फीमेल्स जो जिनको प्रॉब्लम है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है और अनरिसेप्टिव सर्विकल म्यूकस है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग में सर्टेन काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ की ओवर
ग्रोथ हो जाती है, ये हो सकता है, या फिर सर्विकल म्यूकस रिसेप्टिव नहीं है, सीमन को या स्पर्म को रिसेप्ट नहीं कर रहा है तो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी में आ जाता है, जैसे लो स्पर्म काउंट हो गया या इजैकुलेशन डिसफंक्शन हो गया, ठीक है, स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म्स हो की एब्सेंस होना, या फिर इजैकुलेशन डिसफंक्शन तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन इरेक्शनल डिसफंक्शन अगर किसी को होता है तो ये मेल इनफर्टिलिटी के क्योर के फॉर्म में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिंगल वुमन है कोई या सिंगल मैन है, उसको अगर पेरेंटहुड की कोई नीड है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, सरोगेट मदर के थ्रू, या फिर वुमन है तो वो इट्सेल्फ अपने आप भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू क्या कर सकती हैं, अपने को मदरहुड का जो नीड है वो पूरी कर सकती हैं। इसके अलावा जो सेम सेक्स पार्टनर्स हैं, जैसे लेस्बियंस और गेज हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेडिकल फील्ड में अभी इस टेक्निक की काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि नेचुरल, अगर हम नेचुरल इंसेमिनेशन के कंसिडरेशन में देखें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और ये इसमें हमें कई सारे प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इस टेक्निक को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के को फैसिलिटेट करने के लिए कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सर्टेन इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है ना, किसी भी इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कई सारे वाइल्ड एनिमल्स को इसके थ्रू कंजर्व कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे बिग कैट्स हो गई, टाइगर, प्यूमा, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, इसके अलावा राइनोज और ओनेगर्स, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के थ्रू, ओके। और यहाँ पे अगर हम सक्सेस रेट देखें तो प्रेगनेंसी के रिस्पेक्ट में या लाइव बर्थ के रिस्पेक्ट में जो सक्सेस रेट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, वो ICI में इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन में 10-15% है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोबेबिलिटी ये है कि 10-15% चांसेस हैं कि ICI के थ्रू लाइव बर्थ होगा। इसी ढंग से हम IUI के देखें तो इसकी सक्सेस रेट है 15-20% पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, ओके। तो ऐसा माना जाता है और कई सारे केसेस में देखा गया है कि IUI के थ्रू अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है और लगातार 6 साइकिल्स को रिपीट कर लिया जाए IUI के थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो 60-70% चांसेस होते हैं कि लाइव बर्थ नज़र आती है IUI के थ्रू, ओके। नेक्स्ट है, हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। सबसे पहले बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक्सपेरिमेंटल जो सबसे पहले सेटअप तैयार किया था और काम किया था इस पे एक्सपेरिमेंटली, वो थे लज़ारो स्पेलेंजानी, जिन्होंने 1780 में डॉग्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे जॉन हंटर ने 1790 में पहला रिकॉर्डेड, ध्यान से देखेंगे, पहला रिकॉर्डेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का रिकॉर्ड इन्होंने दिया था, रिकॉर्ड मतलब रिटन डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रेजेंट किया था। इसके बाद हम देखें तो डॉक्टर विलियम एच पैनकोस्ट ने 1884 में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया था ह्यूमंस में बाय द हेल्प ऑफ अ डोनर मेल, ओके, डोनर स्पर्म डोनर के थ्रू यहाँ पे पहली बारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया गया था ह्यूमन में, ओके। तो ये तो इसकी, अब देखो 1930 आते आते क्या हुआ कि क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई और लाइमलाइट में आ गई। तो अब क्या हुआ कि जो डोनर्स थे उनके सीमन को हम कंजर्व कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्व मतलब हम उसे बहुत ठंडे टेम्परेचर में प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे बहुत ठंडे टेम्परेचर मतलब हम लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जो स्पर्म सैंपल है उसे प्रिजर्व कर लेंगे, और इस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 तक हो सकता है, ठीक है, माइनस में। तो इतने कम टेम्परेचर में जब हम उसे प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू हम जब भी सीमन को स्टोर करते हैं या प्रिजर्व करते हैं तो अब हम इस सीमन को किसी भी दूसरी, मतलब कोई भी हेल्दी मेल अगर किसी एक कंट्री में है, सपोज हम बोले साउथ पोल में है तो, और फीमेल नॉर्थ पोल में है, तो हम वहाँ साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक भी इस सीमन सैंपल को ले जा सकते हैं, किसी भी कंट्री से किसी दूसरे दूर दराज के कंट्री तक हम इस सैंपल को ले जा सकते हैं। और इस क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा
डोनर सीमन सैम्पलिंग की या स्पर्म डोनर्स की वैल्यूज का भी पता चला था। ओके, नेक्स्ट है इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन। इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन जो कि आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक टाइप है। और देखो नॉर्मली हम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, अगर हम प्योर हिंदी में बोलें तो इसे हम कृत्रिम गर्भाधान भी कह रहे हैं। हम क्या करें, आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट कर रहे हैं बस एक फीमेल को, ये हमारा मोटिव है। तो इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन में हम क्या करेंगे, द टर्म इज यूजिंग हेयर सर्विकल, ध्यान देंगे सर्विक्स में, फीमेल के सर्विक्स में हम सीमन को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है ना। और ये जो है आपकी नॉर्मल जो इंटरकोर्स टेक्निक है लगभग उसके जैसी ही होती है। इसमें काफ़ी पेनलेस और सिंपल टेक्निक होती है, इसमें इजी मेथड है सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइदर हम जो अनवॉश्ड सीमन सैंपल है या फिर वॉश्ड सीमन सैंपल है, कोई सा भी सीमन सैंपल हम रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर वॉश करके भी उसे यूज़ कर सकते हैं ICI के लिए, ठीक है ना। और ये एक नीडललेस सिरिंज प्रोटोकॉल है, इसमें हमें किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट, गाइडेड इंस्ट्रूमेंट की या नीडल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिस वन इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है IUI। तो IUI में हम देख रहे हैं ये भी एक क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मेथड है, जिसमें हम यूटरस में, ठीक है, फीमेल के यूटरस में सीमन सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम वॉश स्पर्म सैंपल्स को यूज़ करते हैं यूटरस में इंसर्ट करने के लिए। एक ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे कैथेटर कहते हैं, ठीक है ना, एक टोंग शेप का कैथेटर होता है जिसे फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी सीमन सैंपल है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल के यूटरस में। ओके, इस तरीके की टेक्निक में क्या होता है, देखो अगर हम अनवॉश सीमन सैंपल यूज़ करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए हम अधिकतर इस प्रोटोकॉल में वॉश्ड स्पर्म को ही यूज़ करते हैं। क्योंकि अनवॉश सीमन जो होगा वो यूट्राइन क्रैम्पिंग कर सकता है, इसके अलावा सीमन को एक्सपेल आउट कर सकता है और साथ साथ में पेन भी क्रिएट कर सकता है फीमेल में। तो डिस्कम्फर्ट ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम में प्रोस्टाग्लैंडिंस यूज़ करते हैं ताकि फीमेल को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो जब भी IUI होता है उसके बाद 10 to 15, मोस्टली 15 से लेके कई सारे क्लिनिक्स में क्या होता है 45 मिनट्स तक का भी एक ड्यूरेशन ब्रेक दिया जाता है, फीमेल को रेस्ट करने को कहा जाता है आफ्टर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन ट्यूबो पेरिटोनियल इंसेमिनेशन, ठीक है, जिसे IUTPI भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम इंजेक्ट करेंगे वॉश्ड स्पर्म को कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में भी और यूटरस में भी, दोनों टर्म आ रहे हैं ध्यान से देखेंगे, यूटेराइन और ट्यूबो पेरिटोनियल। तो जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनमें भी और यूटरस में भी इंसर्ट करेंगे। फेलोपियन ट्यूब में जब भी हम किसी सीमन सैंपल को इंसर्ट करते हैं तो इसके लिए ये दिस वन इज़ अ, ये जो टेक्निक है ये एक तरीके से नीडल की हेल्प से की जाती है, ठीक है, नीडल की हेल्प से की जाती है और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक भी होती है। नेक्स्ट हम देखें तो दूसरी टेक्निक है इंट्रा ट्यूबल इंसेमिनेशन। इसमें हम सिर्फ ट्यूब में, ठीक है ना, जिस सिर्फ फेलोपियन ट्यूब, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में वॉश्ड स्पर्म का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक्स दोनों के दोनों निडल के मदद से ली जाती हैं और इसलिए हम इनको रेयरली यूज़ करते हैं। मोस्टली जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है IUI, ठीक है। सक्सेस रेट भी IUI का इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ अदर थ्री मैथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्योंकि IUI सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली आर्टिफिशियल टेक्निक है, तो इसलिए हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे जानने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीमेल को ओवेरियन स्टिमुलेशन कंडीशन में ले जाएंगे, लेकिन वो जो ओवरी है जब हम उसे स्टिमुलेट करेंगे तो वो हमेशा कंट्रोल रेट पे ही स्टिमुलेट होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइल्ड कंट्रोल्ड
ओवेरियन स्टिमुलेशन में ले जाएंगे फीमेल को, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सर्टेन काइंड्स ऑफ हार्मोन ट्रीटमेंट देंगे फीमेल को, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओवल्यूशन इंडक्शन करेंगे। अब जब ओवरी स्टिमुलेटेड कंडीशन में चली गई है और बहुत सारे फॉलिकल्स, नॉर्मली क्या होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही फॉलिकल डेवलप होता है किसी एक ओवरी से, ठीक है ना, और अगर दो ओवरी हैं तो उनमें से एक ही ओवरी में एक फॉलिकल डेवलप होता है और वही आगे चल के एग की फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब हम फीमेल को माइल्ड कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन में ले जाते हैं तो फीमेल की दोनों ओवरीज स्टिमुलस में चली जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ मैच्योर हो जाते हैं। माइल्ड कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बारी जब भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ओवेरियन स्टिमुलेशन देते हैं या फीमेल को हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है कि फीमेल की ओवरी हाइपर स्टिमुलेशन में भी जा सकती है, जिसके कारण कि ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए ये कंडीशन ना आए, हाइपर स्टिमुलेशन की कंडीशन ना आ जाए ओवरी में, इसके लिए हम माइल्ड और कंट्रोल्ड कंडीशन में ओवेरी को या ओवरी को स्टिमुलस देते हैं, ओके। और जब एक बारी ओवरी स्टिमुलस में चली गई और लगभग, अगर जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में दोनों ओवरी के मिला के लगभग 10 से 20 एग्स अगर फॉलिकल्स अगर मैच्योर हो जाते हैं तो वो माइल्ड कंडीशन है ओवेरियन स्टिमुलेशन की, ओके। अभी फॉलिकल्स के अंदर ही एग होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फॉलिकल्स को ओवल्यूशन के लिए क्या करना है, फॉलिकल्स का और रप्चर कराना है ताकि एग जो है वो रिलीज हो जाए फॉलिकल से बाहर, ठीक है। तो ओवल्यूशन इंडक्शन इसे हम कह रहे हैं। ओवल्यूशन इंडक्शन में हम ओवरी को इंड्यूस करेंगे ताकि वो फॉलिकल से जो एग हैं वो रिलीज कर दे बाहर फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही एग ओवल्यूशन इंडक्शन हो जाएगा उसके विद इन 36 आवर हमें क्या करना है, सीमन कैपेसिटेशन करना है, यानी कि सीमन का इंसर्शन करना है फीमेल के या तो वेजाइना के थ्रू या फिर यूट्रस के थ्रू या फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू हमें इंसर्शन करना है, ठीक है, किसका, इन सीमन का। नेक्स्ट आती है ल्यूटल फेज सपोर्ट। इसके बाद क्या होता है, एक बारी अगर सीमन या स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसके बाद ब्लास्टोसिस कंडीशन में जब एम्ब्रियो होगा तो वो यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है और उस टाइम पे प्रॉपर हार्मोनल सप्लाई नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ल्यूटियल फेज सपोर्ट देते हैं फीमेल को, जिसके लिए हम फीमेल को अगेन कुछ हार्मोनल कंडीशन में ले जाएंगे, हार्मोन्स देंगे जिससे कि यूट्रस में ईजी इम्प्लांटेशन हो जाए उस ब्लास्टुला की या ब्लास्टोसिस्ट की, ओके। नेक्स्ट है क्या क्या है इसमें स्टेप्स, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। माइल्ड कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन में क्या करना है, हम चेक करेंगे कि कितने सारे ओसाइट्स या कितने सारे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, और माइल्ड कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन में हम बहुत सारे हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट तो देंगे ही, साथ साथ में ध्यान में रखेंगे कि हम अल्ट्रासाउंड चेकअप्स भी करते रहें फीमेल का, क्योंकि अल्ट्रासाउंड चेकअप से ही पता चलेगा कितने नंबर ऑफ फॉलिकल्स बने हैं किसी भी फीमेल की ओवरी में, ओके। इसके अलावा ओवल्यूशन इंडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ओवल्यूशन इंडक्शन के लिए हम कई सारे हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट देंगे जिन्हें ओवल्यूशन इंडक्टर्स हम कह रहे हैं, ओके। नेक्स्ट सीमन कैपेसिटेशन में क्या होगा, सीमन कैपेसिटेशन में हम वॉश करेंगे, जो भी हमें सीमन सैंपल लिया उसे वॉश करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, टोटली हम वॉशिंग कर लेंगे जो भी सीमन सैंपल है, और जो भी इन्फेक्शन है अगर सीमन में तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्टेन काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर लेंगे वॉशिंग में, और फिर हम इस वॉश्ड सीमन को इंसर्ट करेंगे फीमेल के वजाइना में। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, ल्यूटियल फेज सपोर्ट में मोस्टली हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं या फिर हम आपके जो भी जेल्स होते हैं या टैबलेट्स होती हैं प्रोजेस्टेरोन की वो देते हैं। कई बारी ये थ्रू वेजाइनल रूट भी दी जाती हैं, और लगभग हम 200 mg पर डे के हिसाब से प्रोजेस्टेरोन का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं फीमेल को, ओके। देखो अब रीजंस क्या क्या हैं इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को करने
की वजह क्या है, ठीक है ना। तो क्यों करते हैं हम इसे, करते इसलिए हैं ताकि हम क्या कर सकें एनिमल्स में। देखो ये तो अभी ह्यूमन का हमने समझ लिया, ह्यूमन में फीमेल की फर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टाइल है या मेल इनफर्टाइल है या होमोसेक्सुअल है कोई या फिर सिंगल पेरेंट है कोई, तो इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन एनिमल्स में क्यों कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर बेटर जो आपका मेल है, मेल के बेटर मेल डोनर जो है उसके सीमन से हम बहुत सारी फीमेल्स को क्या कर सकें, इंसेमिनेट कर सकें। दूसरा जो जेनेटिकली इम्पॉर्टेंट मेल है उसी के सीमन से हम दूसरी फीमेल्स को इंसेमिनेट करते हैं, और ये हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी उस सीमन सैंपल को, क्रायोप्रिजर्व सीमन सैंपल को ले जाकर हम इंसेमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीडिंग के लिए भी कोई फिजिकल ब्रीडिंग डिफ़िकल्टी है, इरेक्शन इजैकुलेशन प्रॉब्लम है मेल को, तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पैटर्निटी को भी कंट्रोल करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि ऑफस्प्रिंग के किस तरीके के पेरेंट होने चाहिए या ऑफस्प्रिंग को के बेटर डोनर्स हों, इसको भी कंट्रोल करने के लिए हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट, बर्थ को भी सिंक्रोनाइज करने के लिए हम, जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो 2 या 4 साल बाद जब भी बेबीज चाहिए तो उस टाइम पे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के ये नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी जो नेचुरल मेटिंग कंडीशन होती है उस टाइम पे अगर कोई एग्रेसिव मेल है, इसके कारण काफ़ी सारे इंजुरीज हो जाती हैं मेल और फीमेल बोथ को, तो उस कंडीशन को भी अवॉइड करने के लिए हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी मेल जो डोमिनेंट मेल है या बेटर प्रोजेनी वाला मेल है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट हम हर जगह उसे नहीं ले जाते, या मेल की डोमिनेंसी को कम करने के लिए भी हम यहाँ पे इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम मेल होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल को भी इससे इंसेमिनेट कर पाएंगे थ्रू द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके लिए हमें बहुत सारे मेल्स की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में हम समझते हैं तो सबसे पहले हम सीमन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम उसे एक्सटेंड करेंगे, वॉशिंग करेंगे, देन हम कूलिंग करेंगे, और फिर हम उसे अगर क्रायोप्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसे फ्रोजन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी साइट है जहाँ पे भी फीमेल है, जहाँ पे फीमेल की लोकेशन है वहाँ तक उस सैंपल को ले जाएंगे, ठीक है। अब जो भी फ्रोजन सैंपल है, जो अगर किसी प्लास्टिक ट्यूब में है, जिस भी सैंपल किसी भी ट्यूब में लोड है, किसी भी आपके जो भी लेबोरेटरी ने आपको सप्लाई दिया है कंटेनर में सीमन का, उस सैंपल को हम क्या करेंगे, कुछ देर तक रखेंगे होल्ड करके, और फिर उस इस तरीके के सैंपलिंग को हम कहते हैं क्या, स्ट्रॉ, ठीक है ना। इस हम उस प्लास्टिक ट्यूब को कुछ देर तक होल्ड करके रखेंगे ताकि सीमन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, इसे हम कह रहे हैं स्ट्रॉ, ठीक है। अब ये जो सीमन आपको, जो भी इसमें वायबल स्पर्म्स हैं, जो भी जिंदा स्पर्म्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे जब हम क्या करेंगे, थॉइंग करेंगे, ठीक है। थॉइंग एक टेक्निक होती है जिससे हम फ्रोजन सीमन को लाइव सीमन में या पहले कूलिंग कंडीशन में और फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ले जाते हैं सीमन सैंपल को, ठीक है। तो जो जमा हुआ सीमन है उसे पहले हम कूलिंग कंडीशन में और फिर उसे रूम टेम्परेचर में ले जाते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। अब ये जो भी सीमन है इसको हम मिक्स कर लेंगे किसके साथ, आपके देखो बेसिकली हम यहाँ पे क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं अगर हमें सीमन को स्टोर करना है, ठीक है ना। तो सीमन को स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स या ग्लिसरॉल उसमें मिक्स कर लेंगे सीमन में और उसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई भी एक्सटेंडेड सॉल्यूशन, देखो एक्सटेंडर आता है एक तरीके का सॉल्यूशन जो सीमन में जो भी इनकैपेबिलिटीज़ होती है या सीमन ईजिली फीमेल के जो वेजाइना है या यूट्रस है उसमें चला जाए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए एक एक्सटेंडर सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीमन सॉल्यूशन को एक्सटेंडर सॉल्यूशन के साथ मिला लिया ताकि बेटर फ्लो हो जाए जो भी सीमन है उसका, या बेटर फ्लो हो जाए जो स्पर्म्स हैं उनका टूवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब, ओके? अब यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स अगेन हम यूज़ कर सकते हैं ताकि सीमन में कोई इन्फेक्शन कंडीशन ना रहे, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए। इसके अलावा जब भी फीमेल
ईस्ट्रस साइकिल में होती है, उससे पहले ही हम इंसेमिनेशन करवा लेते हैं किसी भी मेल डोनर से, और फिर ईस्ट्रस साइकिल के टाइम पे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो बेटर रिजल्ट, बेटर आपको आउटपुट देती है अगर ईस्ट्रस फेज के टाइम पे आप किसी भी फीमेल को इंसेमिनेट कराते हो किसी भी मेल या डोनर स्पर्म डोनर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हम सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन यूज़ करते हैं, और प्रोजेस्टेरोन की मदद से क्या होगा बेसिकली, उसके अलावा दूसरे हार्मोन्स भी जैसे प्रेग्नेंट मेयर सीरम, गोनाडोट्रोपिन्स हमने पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन सबको भी हम यूज़ करते हैं इंसेमिनेशन के दौरान। ठीक है, और इसके अलावा कई सारी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है, जैसे ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे क्लोमिफीन सिट्रेट, जिसे हम क्लोमिड भी कहते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि फीमेल की ओवरी बहुत सारे मल्टीपल एग्स को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, बहुत सारे एग्स को जब फीमेल की ओवरी प्रोड्यूस करेगी तो बेटर चांसेस हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक मेल डोनर से सीमन कलेक्ट कर लिया। ठीक है, सीमन कलेक्ट करने के बाद हमने इसे ट्रांसपोर्ट किया किसी भी पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर में रख के लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में जैसे ही ट्रांसपोर्ट हो गया सैंपल, तो लेबोरेटरी में क्या करेंगे, इस सीमन सैंपल को 6 अलग अलग भागों में बांट देंगे, 6 अलग अलग आपके एपेंडॉर्फ्स या जो भी आपने सैंपल कलेक्टर लिया है उस सैंपल कलेक्टर में हम इन्हें रख लेंगे 6 भागों में। इन 6 भागों में हम सारे के सारे जो 6 आपके एपेंडॉर्फ्स होंगे उन सब में आप एक्सटेंडर और क्रायोप्रोटेक्टेंट ऐड कर लोगे। ठीक है, सब में ही हम एक्सटेंडर और क्रायोप्रोटेक्टेंट ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम एक्सटेंडर और क्रायोप्रोटेक्टेंट ऐड करेंगे तो अब हमें क्या करना है, ये जो आपका सैंपल है ये लगभग 0.25 ml का होगा। ठीक है ना, ये जो स्ट्रॉज हम बनाएंगे प्लास्टिक के, ये 0.25 ml के होंगे, हर एक एपेंडॉर्फ में 0.25 ml सीमन सैंपल होगा अलॉन्ग विद द एक्सटेंडर एंड क्रायोप्रोटेक्टेंट। अब हम इसे टेम्परेचर 4 डिग्री पे ले जाएंगे, 10 मिनट के लिए इसे 4 डिग्री पे रखेंगे। फिर 4 डिग्री पे रखने के बाद हम इसे लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करने के बाद ये जो सैंपल है सीमन सैंपल ये फ्रीज़ हो जाएगा। ये फ्रीज़ होते ही हम इस जो स्ट्रॉज आपने बनाई हैं इन सबको स्टोर कर लोगे लिक्विड नाइट्रोजन के वेसल में, जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर होगा। और फर्दर आप इसे अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करने के लिए आप इस सैंपल की क्या करोगे, थॉइंग करोगे, जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 10 सेकंड तक इस सैंपल को रखते हैं और फिर उसे इंसर्ट करते हैं फीमेल पे। ठीक है ना, फीमेल को फिर उस सैंपल से हम इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ टेक्निक रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल टेक्निक या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।